नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि के 2024 के इस प्रेडिक्शन में। लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में आज बात करेंगे। आज के इस प्रेडिक्शन में सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की अधिपति ग्रह शनि ग्रह की ट्रांजिट से शुरुआत करते हैं। और शनि ग्रह का जो भ्रमण है ये आपकी राशि के दूसरे स्थान के अंदर है, धन भाव के अंदर है, जो धीमी गति से आपके कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले हैं। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड, मैं हूँ नरेश खत्री, एस्ट्रोलॉजर, अहमदाबाद गुजरात से। नक्षत्र बेज राशि फल में आप सबका स्वागत है। और आज के इस प्रेडिक्शन में हम जो लंबे चलने वाले ग्रह हैं इसके नक्षत्र के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। शनि, राहु, गुरु और केतु, इसके अलावा प्रेडिक्शन में शामिल होंगे चौथे, आठवें, बारहवें सूर्य के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें आपको खास करके अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होता है। तो शनि ग्रह का जो भ्रमण है ये 24 नवंबर 2023 से शुरू हुआ है शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा का जो ट्रांजिट है ये 6 अप्रैल 2024 तक है। अब शतभिषा का जो ट्रांजिट है ये मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए शुभ फल देने वाले हैं, शुभ परिणाम देने वाले हैं। लेकिन जिनका भी जन्म हुआ है श्रवणा नक्षत्र में, ये जातकों को कहीं ना कहीं ये पारिवारिक समस्या भी बढ़ाने वाले बनेंगे, या फाइनेंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन भी उनको मिल सकता है। और जबकि धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है मकर राशि में, ये जातकों के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। तो नक्षत्र जब शनि बदलेंगे, 6 अप्रैल को शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे और ये चलेंगे यहाँ पर 3 अक्टूबर 2024 तक, अप्रोक्सीमेटली 6 महीना और 3 दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलने वाले शनि आपकी राशि से दूसरे स्थान के अंदर फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको ये बड़े कार्य करवाने वाले बनेंगे, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में चलेंगे और गुरु के जैसा फल देंगे। तो क्या है कि घर के अंदर धार्मिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, कुटुंब के अंदर धर्म कर्म के अंदर आपके खर्च हो सकते हैं, तो परिवार में खुशियां बढ़ाने वाला होगा। नक्षत्र ट्रांजिट क्या बोलती है फ्रेंड, उत्तराषाढ़ा के लिए जो ये ट्रांजिट है पूर्व भाद्रपद का शनि, तो आपकी जो पारिवारिक सदस्य है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑपोजिशन में पड़ेंगे आपके साथ, ऐसा आप कुछ महसूस करेंगे। श्रवणा के लिए ट्रांजिट शुभ परिणाम देने वाली होगी और धनिष्ठा के लिए ये विपत्त नक्षत्र होगा, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो योनि है ये दोनों की सेम है, धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद, तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड सिचुएशन तो रहेगा पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर। और वन सेकेंड, 3 अक्टूबर को शनि वक्री होकर शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे 27 दिसंबर 2024 तक। तो ये जो ट्रांजिट रहेगा शतभिषा में 2024 के एंड तक, ये ट्रांजिट उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा के लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं, लेकिन श्रवणा के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसपूर्ण बोल सकते हैं। प्रेडिक्शन में बात करेंगे शनि के बाद राहु ग्रह के बारे में। राहु का जो ट्रांजिट है 30 अक्टूबर 2023 को आपके पराक्रम भुवन में, साहस भुवन में शनि ग्रह का जो भ्रमण शुरू हुआ, सॉरी राहु का भ्रमण शुरू हुआ है, ये आपकी साहसिकता बढ़ाने वाले हैं, एक्सट्रीमली साहस लेवल आपका एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने वाले हैं। और नक्षत्र ट्रांजिट जो है 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 जुलाई 2024 तक राहु इन रेवती नक्षत्र। राहु रेवती नक्षत्र का जो भ्रमण है उत्तराषाढ़ा के लिए वध नक्षत्र है, तो कुछ मिसकैलकुलेशन ना हो इसका केयर करना होगा। कम्युनिकेशन में खास करके आपके भाई बहन और नेबर्स के साथ केयर करना होगा। श्रवणा के लिए ये साधक नक्षत्र हैं, तो हु आर बोर्न इन मकर श्रवणा, ये जातकों के लिए शनि एक्सीलेंट फल देने वाले बनेंगे। और मकर धनिष्ठा के लिए प्रत्यय होगा, तो भाई बहन या नेबर्स के साथ आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है।
तो 7 जुलाई 2024 को शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 16 मार्च 2025 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे, विच विल बी ग्रैंड सक्सेस फॉर मकर उत्तराषाढ़ा श्रवणा के लिए प्रत्यरी भाई बहन के साथ ऑपोजिशन और धनिष्ठा के लिए एक सेम तारा है तो ठीक है, तो साहसिकता में वृद्धि होगी। तो दोनों ट्रांजिट जो है नक्षत्र के हिसाब से आपने समझ लिया होगा। राहु की बात करते हैं तो सामने केतु का बात करना भी जरूरी है। केतु जो ट्रांजिट चल रहा है अभी 26 जून 2023 से जो केतु का चित्रा नक्षत्र में भ्रमण शुरू हुआ है, ये 4 मार्च 2024 तक चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र का ट्रांजिट आपके भाग्य स्थान के अंदर उत्तराषाढ़ा के लिए ठीक परिणाम देने वाला नहीं है, डिस्टर्बेंस वाला है, लेकिन श्रवणा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। एक्सीलेंट बोले तो एक्सीलेंट आपके बिजनेस कारोबार को एक्सट्रीम लेवल पर आपके ले जाने वाले बनेंगे। और धनिष्ठा के लिए जन्म नक्षत्र है तो जन्म तारा भी शुभ फल देता है। तो नक्षत्र चित्रा में से चलेंगे हस्त में, 4 मार्च 2024 को शनि हस्ता नक्षत्र में चलेंगे, सॉरी केतु हस्ता नक्षत्र में चलेंगे जो 10 नवंबर 2024 तक चलेंगे। ये 8 महीना और 8 दिन का हस्ता नक्षत्र में जो शनि का सॉरी केतु का फल होगा चंद्र के नक्षत्र में, ये हस्त नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा के लिए एक्सीलेंट फल होगा। श्रवणा के लिए जन्म तारा है तो मध्यम फलदायी है, चित्रा के लिए धनिष्ठा के लिए अति मित्रा नक्षत्र है तो ठीक ठीक फल देने वाले। लेकिन हु आर बोर्न इन उत्तराषाढ़ा, जिनका जन्म का चंद्र या सूर्य उत्तराषाढ़ा है, ये दोनों जातक उत्तराषाढ़ा में जिनका सूर्य है इनको फिजिकली ये बेनिफिट करने वाले बनेंगे, और जिनका जन्म का चंद्र उत्तराषाढ़ा है इनकी ये आइडियोलॉजी इम्प्रूव करने वाले बनेंगे और यात्रा प्रवास ट्रेवलिंग से आपको बेनिफिट करने वाले बनेंगे। तो 10 नवंबर 2024 को जो केतु है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भ्रमण शुरू करेंगे आने वाले 8 महीना और 8 दिन के लिए। तो उत्तरा फाल्गुनी का जो ट्रांजिट है ये उत्तराषाढ़ा के लिए जन्म नक्षत्र है, श्रवणा के लिए अति मित्र नक्षत्र है और धनिष्ठा के लिए मित्र नक्षत्र है, तो शुभ परिणाम देने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। केतु का ट्रांजिट एक्सीलेंट है। प्रेडिक्शन में लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में बात करें तो गुरु ग्रह के बारे में बात करते हैं। गुरु जो अभी आपके सुख स्थान में चल रहे हैं 26 नवंबर 2023 से गुरु का अश्विनी नक्षत्र में जो भ्रमण शुरू हुआ है ये 3 फरवरी 2024 तक अश्विनी नक्षत्र तारा में है, विच इज़ फॉर उत्तराषाढ़ा के लिए मित्र नक्षत्र है, लेकिन श्रवणा वाले जातकों के लिए इसका फल ठीक नहीं है। माता को लेकर, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, सेविंग को लेकर अनसेटिस्फाइड सिचुएशंस, क्योंकि केतु के अंदर तड़प है, तड़प। केतु जो है ये धड़ के बिना का ग्रह है, जिसके ऊपर माथा नहीं है तो उसके अंदर अमृत आने की तड़प है, वो तड़प आपके अंदर है। हु आर बॉर्न इन श्रवणा, लेकिन 3 फरवरी को जब सॉरी 4 मार्च गुरु का जब नक्षत्र बदलेगा भरणी होगा, 3 फरवरी 2024 को जब गुरु भरणी नक्षत्र में चलेंगे तो भरणी नक्षत्र में गुरु का फल क्या होगा, उत्तराषाढ़ा के लिए गुरु अति मित्र नक्षत्र में बनेंगे और श्रवणा के लिए मित्र तारा में चलेंगे, लेकिन धनिष्ठा के लिए वध होगा। तो धनिष्ठा के लिए मकर धनिष्ठा के लिए फल शुभ नहीं होगा, लेकिन उत्तराषाढ़ा और श्रवण के लिए दोनों के लिए इसका गुरु का फल शुभ रहेगा 12 जून 2024 तक। सॉरी 3 फरवरी से 16 अप्रैल तक गुरु भरणी नक्षत्र में चलेंगे। 3 फरवरी से 16 अप्रैल तक गुरु भरणी का ट्रांजिट उत्तराषाढ़ा और श्रवण के लिए ठीक है, भरणी धनिष्ठा के लिए भरणी ठीक नहीं है। और 16 अप्रैल को गुरु नक्षत्र परिवर्तन करके चलेंगे कृतिका नक्षत्र में। 16 अप्रैल 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक गुरु
अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में 4 दिन कम है, कृतिका नक्षत्र में चलेंगे। ये सूर्य का नक्षत्र है, बहुत तेज नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अंदर गुरु का फल उत्तराषाढ़ा के लिए जन्म नक्षत्र है, ठीक ठीक फल देने वाला है। लेकिन श्रवणा वाले जातकों के लिए ये अति मित्र नक्षत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर योनि दोष बनता है और योनि का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जबरदस्त स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट कर सकता है प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के अंदर, या तो रिलेशन में माता के साथ, पिता के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, विवाहित जातकों को अपने इन लॉस के साथ ये सब सेक्टर में केयर करना होगा। और 1 मई से जो गुरु चलेंगे वृषभ कृतिका के अंदर, तो 5वें स्थान में चलने वाले हैं गुरु, और गुरु का अप्रोक्सीमेटली अप्रैल 2025 तक 5वें स्थान में चलेंगे वृषभ राशि के अंदर। तो 1 मई से वृषभ कृतिका में चलेंगे 5वें स्थान के अंदर। 5वें स्थान में चलने वाले गुरु गुरु के लिए ऐसा कहते हैं भावति भाव दोष कारकम। ये गुरु का ट्रांजिट पर्टिकुलरली संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन आपका बढ़ा सकता है, या तो फिर शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाला जातकों को भी ये थोड़ा सा भार क्रिएट कर सकता है। तो गुरु के ट्रांजिट में जो कोई भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग इत्यादि प्रकार के कार्य करते हैं, सोच समझ के कार्य करें, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना करें, बहुत केयरफुल रहने वाला टाइम होगा वृष के गुरु के अंदर। नक्षत्र कृतिका का फल जो है ये 12 जून तक श्रवणा वाले जातकों के लिए ठीक नहीं है। फिर गुरु आगे चलेंगे 12 जून से लेकर 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी नक्षत्र जो है ये उत्तराषाढ़ा के लिए संपत्ति नक्षत्र है, श्रवणा के लिए जन्म तारा है, धनिष्ठा के लिए अति मित्र नक्षत्र है। लेकिन श्रवणा के लिए जो ट्रांजिट है ये उत्तराषाढ़ा के लिए जो ट्रांजिट है रोहिणी संपत नक्षत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर योनि दोष बनता है। उत्तराषाढ़ा की जो योनि है ये नकुल योनि है, नकुल बोले तो नेवला। और इस नक्षत्र श्रवणा रोहिणी में चलने वाले जो गुरु है इनकी योनि होगी सर्प, सर्प बोले तो सांप। तो ये कट्टर शत्रु है दोनों एक दूसरे से साथ, तो 100% फल नहीं मिलेगा। उत्तराषाढ़ा को 50% संपत्ति मिलेगी, 50% लाभ मिलेगा। श्रवणा के लिए भी ठीक ठीक है, धनिष्ठा के लिए अति मित्र नक्षत्र है। तो 5वें स्थान में गुरु जो कहते हैं भावाति भाव दोष कारकम, ये सिद्धांत के अनुसार 5वें स्थान में तो भार क्रिएट करेंगे लेकिन भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। और गुरु का ये ट्रांजिट आपके लाभ स्थान में होने के कारण आपको अपने मित्रों से लाभ करने वाले बनेंगे, और इसके साथ साथ आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले बनेंगे। जिनका जन्म का सूर्य भी मकर राशि में है ये जातकों को भी इस प्रेडिक्शन का असर होने वाला है, क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है ये 2 प्रकार से होता है, सूर्य से और चंद्र से। तो जिनके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं इनको ये प्रेडिक्शन का सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। तो गुरु आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले बनेंगे, और आफ्टर ऑल नॉलेज इज द पावर। तो 12 जून से 20 अगस्त गुरु रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे, जो उत्तराषाढ़ा के लिए ठीक नहीं है, 50% फल देने वाला है। श्रवणा के लिए जन्म तारा है, धनिष्ठा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, ठीक ठीक फल देने वाला है। लेकिन 20 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक चलेंगे गुरु मृगशिरा नक्षत्र में। तो मृगशिरा का जो ट्रांजिट है एक्सीलेंट फल देने वाला होगा श्रवणा के लिए। उत्तराषाढ़ा के लिए ये विपत होगा लेकिन श्रवणा वाले जातकों के लिए संपत है, संपत। लेकिन यहाँ पर वंस अगेन योनि दोष नहीं है, जिसके कारण इसका पूर्ण बेनिफिट उठा पाएंगे श्रवणा वाले। संपत नक्षत्र है तो एक्सीलेंट फल मिलेगा। 20 अगस्त से लेकर 28 नवंबर के बीच गुरु आपको माला माल करने वाले हैं। धनिष्ठा के लिए भी इसका फल शुभ होगा। और 28 नवंबर 2024 को वंस अगेन गुरु वक्री होकर रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे, जो ट्रांजिट चलने वाली है 10 अप्रैल 2025 तक। रोहिणी नक्षत्र में गुरु का फल क्या होगा? रोहिणी का फल वंस अगेन उत्तराषाढ़ा के लिए 50% शुभ फल है, श्रवणा के लिए भी मध्यम फलदायी है,
धनिष्ठा के लिए भी ठीक ठाक फल देने वाले हैं। तो गुरु आफ्टर ऑल बदलने के बाद भाग्य में वृद्धि, नया फ्रेंड सर्कल बनेगा, नए मित्र मिलेंगे और आपके नॉलेज में वृद्धि होने वाली है। इस प्रकार से ये गुरु आपको फल देने वाले हैं। तो 2024 के अंदर चौथे आठवें बारहवें सूर्य के बारे में भी बात करते हैं, जो एवरी ईयर, नॉट इन दिस ईयर बट एवरी ईयर, आपको अप्रोक्सीमेटली केयर करना है। 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी, जो अभी ये ट्रांजिट चल रहा है, अभी ये 15 जनवरी तक है, सूर्य कल बदलने वाले हैं राशि। धनु के सूर्य राशि से 12वें स्थान के सूर्य बनते हैं, जिसके अंदर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। तो आज रात को 2:44 को, आज 14 जनवरी है, प्रेडिक्शन में हम लेट हैं, देर आए दुरुस्त आए नक्षत्र बेस प्रेडिक्शन के अंदर, क्योंकि हम भी कोई कंप्यूटर नहीं है, दिमाग का काम है सब। जब मूड होता है तभी प्रेडिक्शन हो सकता है। 14 जनवरी से लेकर, मतलब 15 जनवरी, आज रात 14 की रात, मतलब आज रात को 2:44 को सूर्य मकर राशि में भ्रमण शुरू करेंगे, इसको बोलेंगे मकर संक्रांति। तो लास्ट एक महीने से जो सूर्य 12वें स्थान में चल रहे थे, जो 16 दिसंबर से लेकर यहाँ पर ये 12वें सूर्य आपके ख़त्म होंगे, और 2024 के अंदर वंस अगेन जो ये ट्रांजिट होगी 15 दिसंबर को होगी, 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक सूर्य धन में चलेंगे आपके 12वें स्थान के अंदर। फिर उसके बाद आपके चौथे सूर्य होते हैं, इसमें खासकर जो चौथा आठवा बारहवा सूर्य है ये पीड़ादायी होता है, खास करके हेल्थ को लेकर और गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर को लेकर, रिलेशन में फादर मदर ये सब के साथ केयर करना होता है, घर के जितने भी बुजुर्ग हैं वडिल हैं उनके साथ केयर करना होता है 12वें सूर्य में। अब चौथा सूर्य कब होगा, अब आपको अप्रैल में होगा, 13 अप्रैल से लेकर 14 मई मेष के सूर्य होंगे, सुख स्थान के अंदर होंगे, यहाँ पर भी आपको सुख की अनुभूति नहीं करने देंगे, लेकिन यू आर ब्लेस्ड इन द 24 बिकॉज जुपिटर विल बी ट्रांजिट विथ जुपिटर, गुरु के साथ चलेंगे मेष के अंदर। हालांकि 15 दिन का ही पीरियड होगा, क्योंकि 1 मई को गुरु बदलने वाले हैं, तो 15 दिन तो आपको गुरु बचाव कर लेंगे, तो इसमें भी सुख की अनुभूति नहीं करने देंगे, इसमें भी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, लेना बेचना कुछ भी करना है। और रिलेशन में जैसे बताते हैं कि माता पिता, जॉब में अपर लेवल, विवाहित जातकों को अपने इन लॉस से सबके साथ केयर करना होता है मेष के सूर्य में, जो ट्रांजिट हैं 13 अप्रैल से लेकर 14 मई। उसके बाद आठवां सूर्य वंस अगेन ये कष्ट कारक होता है, एवरी ईयर शुड बी टेक केयर, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर, सिंह के सूर्य आठवें सूर्य होते हैं, आठवें सूर्य ऑलवेज लॉस करवाने वाले होते हैं, नुकसान करने वाले होते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना होगा, आँखों का विशेष केयर करना होगा, सूर्य और शनि दोनों आमने सामने होंगे, पारिवारिक संघर्ष ज़्यादा ना बढ़े उसका केयर करना होगा। मकर राशि वाले आपके कोई मित्र हैं या जिनका भी जन्म हुआ है 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी में, जिनके जन्म के सूर्य मकर राशि में हैं, ये जातकों के आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं, इनको भी प्रेडिक्शन आप शेयर करें, क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर फिजिकल इम्पैक्ट है ये सूर्य से हैं। यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं तो इस प्रेडिक्शन का आपको ज़्यादा असर होने वाला है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।